सोमायरा न्यूज, मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एनसीसी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर हिरेन देसाई ने मध्य प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित एनसीसी शिक्षा शिविर का दौरा किया, जो गवर्नमेंट एनसीसी गर्ल हाई स्कूल कमांड एक में चल रहा है। उन्होंने कैंप लोकेशन और ट्रेनिंग का अवलोकन कर साथ ही कैंडेट्स को संबोधित करते हुए उनकी लगन और ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जमकर सराहना की। ब्रिगेडियर हिरेन देसाई ने बताया कि कैंडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कठिन परिश्रम करना चाहिए, जो उन्हें युवा जीवन के चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। साथ ही यह भी कहा कि आज पूरे देश में एनसीसी कैंडेट्स द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक के मुश्किल हालातों में देशवासियों के लिए किए हुए सेवाओं की प्रशंसा कर रहा है। कैंडेट्स को ऐसी ही सेवा भाव से आगे भी कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने एक एमपी गर्ल्स बटालियन के सभी स्टाफ और एनसीसी के एसोसिएट अफसरों को कैंप के शानदार आयोजन की बधाई दी। एनसीसी ग्रुप इंदौर के कमांडर उन्होंने 1 MP गर्ल्स बटालियन एनसीसी इंदौर का जो सी सर्टिफिकेट कैंप लगाया हुआ है उसका दौरा किया। ये दौरा उन्होंने कैंप की तैयारी और कैंप एग्जीक्यूट करने के तरीके को मुआयना करने के लिए किया था और कैडेट्स का जोश और कैडेट्स का ट्रेनिंग देख के वो बहुत खुश हुए। उन्होंने 1 MP गर्ल्स बटालियन एनसीसी इंदौर को बधाइयाँ दी यह कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और बहुत अच्छी तरह से कैंप हुआ। इसके लिए उन्होंने पूरे कैडेट्स को गौरवान्वित किया, उनका हौसला अफजाई किया और एनसीसी का जो मेन मुद्दा है कैडेट्स में से यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ साथ उनको एक बेहतर नागरिक बनने की शिक्षा देना, उसके लिए उन्होंने कैडेट्स को प्रोत्साहित किया और बताया कि एनसीसी के होते हुए मध्य प्रदेश में जो उनको सहूलियतें मिल रही है और जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है सरकार के तरफ से, उसको मद्देनज़र एनसीसी ने अपना काम और एनसीसी के कैडेट्स ने अपने आप को बेहतर करने का काम जारी रखना चाहिए, और ये कहते हुए उन्होंने हमसे विदा ली। धन्यवाद। आपका परिचय अलग से देना पड़ेगा? हाँ, मैं कर्नल भूषण, CO यानी कमांडिंग ऑफिसर 1 MP गर्ल्स बटालियन NCC इंदौर। मैम, जो NCC को लेके जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो बी और सी सर्टिफिकेट के लिए कैंप लगाया जा रहा है 5 दिन का, उसमें क्या है, सारे जो इनके सब्जेक्ट है सी सर्टिफिकेट के पेपर्स जो आते हैं उसमें मैप रीडिंग है, ड्रिल है ना, सिग्नल है, और FCBC जो डिफरेंट आर्मी के कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस ली जा रही है, और ना इनको पूरे एग्ज़ाम की सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करी जा रही है। तो एक ही बहुत ज़रूरी भी है, सी सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू रखता है, उसमें अगर प्रॉपर ग्रेडिंग हो, अच्छी ग्रेड से ये लोग पास हों अल्फा ग्रेड से, तो इनके आगे चांसेस जो है सर्विसेज में चांसेस अच्छे, ब्राइट चांस हो जाता है, करियर वाइज भी इनका जो है ब्राइट हो जाता है। तो ये सी सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूबल है, उसकी तैयारी के लिए सारा कैंप लगाया जाए। मैम, जो NCC के कैंप लगाए जाते हैं इसमें बच्चों का उत्साह कितना रहता है? इसके बच्चों का उत्साह पूरा होता है, पूरे जोश में, यंग जनरेशन है हमारी, और थर्ड ईयर ये कैडेट्स होते हैं एकेडमिकली भी, और इनका तीसरा साल होता है NCC में, तो ये इस समय पूरे फुल जोश में रहते हैं। तीनों साल ही ये लोग पूरे उत्साह से भाग लेते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है और इनमें पूरा जोश जो है वो है, पूरे उत्साह से ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैम, आप NCC में कितने वर्षों से? मैं NCC मैंने जुलाई 86 से ज्वाइन किया है जी, और सर्विस के साथ ही मैंने NCC भी ज्वाइन कर लिया था। हम लोग के डिफरेंट रैंक प्रमोशन होते रहे, हम लोगों ने कोर्सेज करते रहे एक महीने का, और 2002 से मैं मेजर हूँ। मैम, आपका परिचय? मैं हूँ मेजर डॉक्टर प्रीति चतुर्वेदी, प्रोफेसर होलकर साइंस कॉलेज, बॉटनी के प्रोफेसर। थैंक यू मैम।